पे क्लास चल रहा था 14 जनवरी 1964। बात चल रही थी आत्मा नहीं सुनती है, फिर कौन सुनता है? जड़ शरीर सुनता है क्या? है जड़ शरीर सुनता है या आत्मा सुनती है? चैतन्य आत्मा ही सुनती है। ये जड़ कान तो यंत्र हैं, तो शरीर थोड़ा ही सुनता है। आत्मा इन शरीर यानी आर्गन्स द्वारा सुनती है। अब ये बात बरोबर समझते हो ना? आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बेसिक में ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में सबसे जास्ती और सबसे पहले कौन सुनता था? है ब्रह्मा बाबा सुनते थे। तो भक्ति मार्ग में सुनने के संस्कार सबसे जास्ती किसने धारण किए? ब्रह्मा बाबा ने धारण किए। तो जरूर आत्मा संस्कार ले जाती है। ये साधु संत लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं वो हैं भक्ति के शास्त्र, और ज्ञान का शास्त्र तो कोई होता ही नहीं है। ज्ञान होता ही है सतयुग और त्रेता में, वहाँ शास्त्र होते हैं क्या? है शास्त्र माने क्या? शास्त्र माना शासन करने का विधान। और शासन किनके ऊपर किया जाता है? अनुशासनहीन के ऊपर शासन किया जाता है, अथवा जो अपनी आत्मा से शासित हैं, उनके ऊपर शासन किया जाता है। जो अनुशासनहीन होते हैं उन पर ही शासन किया जाता है, और सतयुग में तो कोई अनुशासनहीन होता ही नहीं है। सब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। ये शासन जो आत्मा का शासन है, आत्मा स्वयं शासित है। उसे किसी की शासन की जरूरत नहीं, और ये शासन भगवान ही सिखाते हैं। द्वापर और कलयुग में तो भक्ति होती है। भक्ति माना मन बुद्धि रूपी आत्मा भागती रहती है, भटकती रहती है। और सतयुग त्रेता में आत्मा स्वयं शासित होने के कारण भटकती नहीं है। प्रकृति के मध्य में केंद्रित रहती है। बाप ने समझाया है आधा कल्प है भक्ति और आधा कल्प है ज्ञान। ज्ञान भगवान से आता है और भक्ति रावण से आती है। रावण माना ही अनेक मत है। अनेक मत अर्थात अनेक बुद्धियों की, अनेक सिरों की मत। इसको कहते हैं भक्ति। एक ने एक रास्ता बताया, दूसरे ने दूसरा रास्ता बताया, तीसरे ने तीसरा रास्ता बताया। बुद्धि को भटकाता रहता है कौन? अनेक मत वाला रावण। तो देखना है, अपने पुरुषार्थी जीवन में भी देखना है कि हमारी मनोबुद्धि रूपी आत्मा अनेकों की मत में तो नहीं भटकती है, एक की मत पर स्थिर है और उस एक को पहचाना है। जिस एक से सुख ही सुख मिलता है, वो एक ही है ज्ञानदाता, ज्ञान का सागर। ज्ञान से होता है सुख और अज्ञान से होती है भक्ति, जिससे दुख ही दुख मिलता है। ज्ञान रूपी सतयुग और त्रेता को सुखधाम कहा जाता है। बाद में द्वापर और कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। तो बुद्धि से ये विचार करो कि बरोबर सतयुग यानी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राम राज्य, इन दोनों युगों में रावण राज्य होता ही नहीं है। कौन कौन से युगों में? सत्य, सत्य का युग इसके द्वारा स्थापन होता है, सत्य माना ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ। सत्य एक होता है या अनेक होता है? एक होता है। तो एक ही ज्ञान सूर्य है जिससे सतयुग स्थापन होता है और उस ज्ञान सूर्य की रोशनी से ज्ञान लेने वाला अर्थात रोशनी लेने वाला अव्वल नंबर कौन है? अरे ज्ञान सूर्य जब चैतन्य ज्ञान सूर्य बनकर इस सृष्टि पर आता है तो उससे अव्वल नंबर ज्ञान लेने वाला कौन है? अरे वो तो हुआ ही ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। इसलिए भगवान का जो रूप दिखाया गया है उससे मस्तक पर चंद्रमा रखा हुआ है। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, जैसे बाप उसको सार पर चढ़ाई लेते हैं, कहते हैं ना सर माथे पर। तो देखो ज्ञान सूर्य राम से होता है सतयुग और फिर ज्ञान चंद्रमा से होता है क्या? त्रेता युग। इसलिए त्रेता में ज्ञान चंद्रमा की आत्मा कितने जन्म लेती है? 13 जन्म लेती है। राम वाली आत्मा 13 जन्म नहीं लेती है। जो सतयुग है उस सतयुग में ये राम और राम की फॉलोअर्स सूर्यवंशी आत्माएं कितने जन्म लेती है? कृष्ण की आत्मा तो 8 जन्म लेती है। फिर कृष्ण को जन्म देने वाले रचयिता की आत्मा कितनी जन्म लेती होगी? है तो उसकी गिनती करना भूल गए क्या? तो ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले सतयुग में ही 9 जन्म ले लेते हैं। तो देखो ये सूर्यवंश और चंद्रवंश इन दोनों में रावण नहीं होता है। दोनों में रावण नहीं होता है। बाकी रावण कहाँ होता है? द्वापर नाम क्यों पड़ा? द्वैतवाद पैदा हो जाता है। देवताएं अद्वैतवादी होते हैं और दैत्य द्वैतवादी होते हैं। 2-2 मतें, 2-2 राज्य, 2-2 भाषाएं, 2-2 धर्म, 2-2 कुल, 2-2 मतें। तो द्वैतवाद के कारण वहाँ दुख पैदा होता है। तो दुख पैदा होने का मूल कारण क्या हुआ है? क्या मूल कारण हुआ? द्वैतवाद, 2 मतें। मान लो शिव की आत्मा ब्रह्मा में प्रवेश करती रही, तो ब्रह्मा का व्यक्तित्व 1 हुआ या 2 हुआ? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी 1 है या 2 है? पर्सनालिटी तो 1 है, लेकिन मत पर चलने वाले एक ही मत को मानने वाले थे, या दोनों की मत को मानने वाले थे, या ब्रह्मा खास की मत को मानने वाले भी थे? है ना? ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली उस वाणी को मानने वाले मुखवंशावली, और जिन्होंने मुखवंशावली बनने का प्रयत्न ही नहीं किया, गोद का सुख लेते रहे, देह का सुख लेते रहे। तो देह ब्रह्मा की थी या शिव की थी? ब्रह्मा की मत को फॉलो किया। शिव बाबा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई शिव बाबा की वाणी को ध्यान ही नहीं दिया। तो देखो, जो द्वैतवादी होते हैं वो फिर दुख में चले जाते हैं। दुखी बनाता है रावण, वो विकार में ले जाते हैं। तो वहाँ सुख, और फिर जब विकार में जाते हैं फिर आहिस्ते आहिस्ते दुख शुरू होता है, क्योंकि विकारी दुनिया की शुरुआत होती है। तो आज में वो विकारी दुनिया भी सतो प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी? सतो प्रधान होती है। इसलिए विकार उस समय जास्ती दुखदायी नहीं होते, धीरे धीरे दुख शुरू होता है। क्योंकि उस समय में तो पहले पहले सात्विक रजोगुण की याद होती है, तो इतना दुख नहीं होता है जितना कलयुग अंत में। पैसे बहुत हैं, क्योंकि बाप समझाते हैं कि जब सतयुग त्रेता पूरा होता है तो द्वापर में तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। उस समय में कोई मोहम्मद गजनवी नहीं आए थे। क्या लूटने वाला उस समय नहीं था कोई भारत में? क्यों? क्योंकि उस समय भारतवासी जो शास्त्र पढ़ते थे वो शास्त्र भी शुरुआत में सात्विक थे या तामसी थे? उस समय शास्त्रों में भी सच्चा ज्ञान था। बाद में ये ढेर की ढेर टीकाएं बन पड़ी। पहले गीता बनी, फिर वेद बने, फिर वेदों की व्याख्या हुई, ब्राह्मण बने, शतपथ ब्राह्मण आदि, फिर उनकी भी व्याख्या हुई, आरण्यक बने, फिर उपनिषद बने, फिर ढेर के ढेर रामायण आदि शास्त्र बनने लगे, भागवत, महाभारत। तो ज्ञान का विस्तार होता गया या ज्ञान सार में समाता गया? सार में समाता गया, विस्तार होता गया। जब वृक्ष बढ़ जाता है, विस्तार को पाता है, तो उसमें सार नहीं रहता। वृक्ष जब बीज रूप में था तो उसमें सार समाया हुआ था। कोई भी बीज को देखेंगे तो बुद्धि में उसके विस्तार का रूप भी आ जाता है, आम का, नीम का बीज देखेंगे तो बीज को देखने मात्र से ही उसके झाड़ का विस्तार बुद्धि में आ जाता है। तो बीज है सार और वृक्ष है विस्तार। तो बताया जब विस्तार होता है, कलयुग में आकर के बहुत विस्तार हो जाता है शास्त्रों का, तो ज्ञान का सार खलास हो जाता है, या कहो विस्तार में विलीन हो जाता है। माना बुद्धि में से ज्ञान खिसक जाता है, अज्ञान अंधकार में खो जाते हैं। तब कौन आक्रमण करता है? है मोहम्मद गजनवी आया, सारा धन लूट के ले गया। वो आकर के लूट करे या कुछ भी करे, जो भारत के शास्त्रों के विद्वान पंडिताचार्य थे, पंडे पुजारी थे, वो समय अंधश्रद्धा में डूबे हुए थे, या उनमें भगवान का सच्चा श्रद्धा विश्वास था? क्या अंधविश्वास था जो मोहम्मद गजनवी लूट के ले गया? है? उनमें अंधविश्वास था कि भगवान सोमनाथ हमारी रक्षा करेंगे, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इस अज्ञान ने उस समय के राजाओं को संगठित नहीं होने दिया। कारण हुआ अज्ञान, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। और मोहम्मद गजनवी बार बार आक्रमण करके सारा धन लूटता रहा। तो देखो, द्वापर के आदि में ऐसे लुटेरे नहीं आए थे। कब आते हैं? जब भारतवासी अज्ञान नींद में सोने लगते हैं, अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं, अंधश्रद्धा में डूब जाते हैं। तो द्वापर में लूट खसोट आदि की ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बातें बाप बैठ करके समझाते हैं कि जब तुम भक्ति मार्ग में गए, रावण के मार्ग में गए, तो पीछे पूजा आदि शुरू हुई। रावण का राज्य शुरू हुआ। चौदह 164 की वाणी का चौथा पेज। तो पीछे तुम पुजारी बनने के कारण मंदिर आदि बनाने लगे, क्या मतलब हुआ? इस बात की शूटिंग कैसे होती है? की दुनिया में हमारा असली मंदिर कौन है? कौन है सोमनाथ? सोम किसे कहा जाता है? सोम माना चंद्रमा, और उस चंद्रमा रूपी बैल को नाथ लेने वाला, पुरुषार्थ की हाई जंप लगाकर उस पर आरूढ़ होने वाला कौन है? शंकर। शंकर जब बैल पर सवारी कर लेता है तो बैल कंट्रोल में आ जाता है या नहीं आता है? कंट्रोल में आ जाता है। तो देखो, दूसरा नाम क्या दिया है? जहाँ बैल को कंट्रोल किया गया है पशुपतिनाथ। पशु कौन है? बैल ही पशु है। उस बैल से ही ज्ञान की खेती की जाती रही। तो देखो, उस ज्ञान सूर्य की पहचान माना ज्ञान। अगर पहचान नहीं है तो अज्ञान है। द्वापर के याद में सात्विक बत्ती थी, वो कैसी थी? तामसी थी या सतो प्रधान थी? भक्ति भी सतो प्रधान थी। तो किस एक की पूजा की जाती थी? हैं? एक? अरे जोर से बोलो। शिव की पूजा की जाती थी। क्या शिव बिंदी की पूजा की जाती थी? है? नहीं, शिव ज्योति बिंदु की पूजा नहीं होती है। पूजा के लिए बड़ा रूप चाहिए या बिंदु रूप चाहिए? बड़ा रूप चाहिए। जो सदैव आत्मा है शिव ज्योति बिंदु, वो बड़ा रूप होता है कभी? है? वो तो बड़ा नहीं होता। हाँ, शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के जिस मुकर्रर रथ का आधार लेते हैं, जो मुकर्रर रथ है, बाप समान स्टेज को प्राप्त करके बैल के ऊपर आरूढ़ हो जाता है। तब सोमनाथ कहा जाता है। नाथ क्यों है? अरे बैल में नाथ कब डाली जाती है? हैं? हाँ, बैल में जब नाथ डाल दी जाती है तो वो ज्ञान की खेती के योग्य हो जाता है। बैल में अगर नाथ न डाली जाए तो खेती करने योग्य होता है क्या? नहीं होता है। उसे क्या कहा जाता है? सांड कहा जाता है। और सांड क्या करता है? सांड है तो सांड क्या करेंगे? हैं? और देह अभिमानी सांड है, अपना देह अभिमान ही दिखाएंगे। या ज्ञान की खेती करेंगे? हैं? ज्ञान की खेती करेंगे? हाँ, देह अभिमान का सांढापन दिखाएंगे। तो अभी वो सोम कहो, चंद्रमा कहो, उसकी आत्मा बैल बन गई है या सांड बनी हुई है? हैं? अभी कहेंगे सांड ही है, ज्ञान की खेती नहीं कर रही है। और ज्ञान की खेती करने वाला फिर कौन है? अरे सांड को कंट्रोल करने वाला कोई होगा या नहीं होगा? कौन है? हाँ, शिव नहीं कंट्रोल करता है। शिव जानवरों को कंट्रोल करता है या मनुष्यों को कंट्रोल करता है? ज्ञान सूर्य भगवान मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ाता है या जानवर पशु पक्षियों को पढ़ाई पढ़ाने आता है? हैं? मनुष्यों को पढ़ाने आता है। इसलिए तो मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। क्या ये क्या करता है? ये बीच में सुनता है। मैं इसको सुनाता नहीं हूँ। क्यों नहीं सुनाता हूँ? हैं? क्यों नहीं सुनाता हूँ इसको? तुमको क्यों सुनाता हूँ? क्योंकि तुम मनुष्य हो। जो मनुष्य उनको कहा जाता है जो मनन चिंतन मन का उपयोग करते हैं। इसको तो सन 36 से सुनाया। कब तक सुनाया है? 18 जनवरी है 69 तक सुनाया। कितने साल सुनाया है? 33 साल सुनाया। तो जो सुनाया उस पर मनन चिंतन कभी किया क्या? हैं? मनन चिंतन मंथन ही नहीं किया। इसने नहीं किया तो इसके फॉलोअर्स कैसे करेंगे? तो उस समय तक जो ज्ञान भगवान ने सुनाया उसको ज्ञानामृत कहेंगे। हैं? ज्ञान अमृत नहीं कह सकते। जो सोई हुई आत्माएं, मृत प्राय आत्माएं, संजीवनी बूटी सूंघ के उठ खड़ी हों, वो ज्ञान उस समय तक नहीं था। बाद में मनन चिंतन मंथन के बाद सन 76 में जब बाप प्रत्यक्ष हुआ ब्राह्मण बच्चों के बीच, तो ज्ञान का विस्तार होने लगा। मंथन से सबसे पहले क्या निकलता है? है? हाला हाला विषय निकला। और अंत में क्या निकलता है? है? ज्ञान का अमृत निकलता है। अभी ये ज्ञान अमृत निकलने वाला है। इस ज्ञान अमृत को जो भी नंबरवार धारण करने वाले होंगे उनकी स्टेज बताई। उनकी स्टेज ऐसी होगी जो सुने, जो उनको देखे, उनकी बुद्धि में क्या बैठ जाए कि ज्ञान सूर्य भगवान आ चुका है। तो देखो, उस समय ज्ञान सूर्य साप की बुद्धि में बैठेगा। और अभी क्या हाल है? अभी हाल क्या है? सदा निश्चय बुद्धि होते हैं पहचानने वाले हैं? नहीं होते हैं। तो क्या कहें, पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी पहचान नहीं है, या कभी ज्ञान होता है कभी नहीं होता है, तो उसे भक्त कहें या ज्ञानी कहें? भक्त ही कहेंगे। भक्त माने पुजारी। तो पुजारी बनने के कारण मंदिर बनाने लगे। अभी धन तुम लोगों के पास बहुत ढेर का ढेर धन था, कहाँ था? हैं? सोमनाथ मंदिर में। वो मंदिर जड़ था या चैतन्य था? जड़ मंदिर था। और अभी हैं? अभी चैतन्य मंदिर है। तो चैतन्य मंदिर में वो अतिचार ढेर का ढेर धन है या नहीं है? है तो बहुत ढेर धन। पहले पहले नाम ही ग्रामी है। उज्जैन की तरफ सोमनाथ का मंदिर था। उज्जैन माना क्या है? उत्त माना ऊंचा, जैन माने इंद्रियों को जीतने वाले का फॉलोअर। उसको कहेंगे उज्जैन। ये सोमनाथ के मंदिर में मिल्कियत बहुत थी। असली मिल्कियत क्या है? वो तो संगम युग में होती है। तो वो मिल्कियत है। उस सोमनाथ मंदिर में अतिचार थी। सारा मंदिर सोने का है, बहुत धन होता है। तो धन से ज्यादा कीमती चीज कौन सी उठाई जा सकती है? हैं? सोना। सोना माना सच्चाई। उस सोने में बड़े बड़े हीरे और जवाहर लगे हुए थे। हीरे माना का जड़ हीरे ही लगे हुए थे। हैं? चैतन्य हीरे कौन से? हाँ, सोमनाथ मंदिर में द्वापर के आदि में चैतन्य हीरे माना अंधेरे में भी रोशनी की चमक मारने वाले। ज्ञान की रोशनी की चमक होती है ना, ऐसे हीरे जड़े हुए थे और जवाहरात भी लगे हुए थे। जवाहरात होते हैं ना, हीरे की तो बहुत कीमत होती है, तो जवाहरात होते हैं, माणिक्य, पन्ना, मोती, माणिक्य, वैडूर्य, तो ढेर के ढेर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। किसके साथ लगे हुए थे? हैं? हैं? ये हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, लगे हुए थे, इसका क्या मतलब हुआ? हैं? अरे हद में तो समझ गए, बेहद में क्या अर्थ हुआ? हैं? बेहद में ये हीरे जैसी आत्माएं अष्टदेव और जवाहरातों जैसी श्रेष्ठ आत्माएं, वो ज्ञान सूर्य बाप की सहयोगी थी। अर्थात उस मंदिर में वो हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। मंदिर कौन सा हुआ? है सोमनाथ मंदिर। अरे जड़ या चैतन्य? चैतन्य। और हीरे जवाहरात भी चैतन्य। उस मंदिर की कभी कोई कीमत नहीं आ सकता। देखो, तुम जानते हो कि बरोबर जब मोहम्मद गजनबी आया लूटने के लिए, ये जो गोप हैं, उन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी। हैं? हिस्ट्री ज्योग्राफी में ये बात मोहम्मद गजनबी की पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती है? पढ़ी तो होगी। और अभी एडवांस में आने के बाद उस पढ़ी हुई हिस्ट्री ज्योग्राफी की शूटिंग भी बुद्धि में आ जानी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? हैं? आनी चाहिए। इनमें भी कोई ऊंची पढ़ाई पढ़ा होगा। उन्होंने तो जरूर जाना होगा कि मोहम्मद गजनवी आया था। कौन आया था? हैं? कौन आया था? है, नाम क्या दिया? मोह। मोह माने? मोह माने मोह और मद माने है। कभी हाथी को देखा है? उसकी आंखों को देखा है? हाथी की आंखों में मद दिखाई पड़ा कि नहीं? जैसे हाथी की आंखों में बड़ा मदमाता रहता है, मदमाता होकर के घूमता रहता है, ऐसे ही मोहम्मद गजनवी आया। बहुत मदमस्त था, फिर आकर के ऊंट भर के सोने जवाहरातों के अफगानिस्तान की तरफ ले गया। कहाँ ले गया? अफसोस का गान करने वाला, अफगानी, ऐसे स्थान में ले गया। अफगानिस्तान कहाँ है? मुसलमानों का देश कौन सा है हमारे नजदीक? पाकिस्तान। उस पाकिस्तान के भी उस पार अफगानिस्तान। तो बताओ उसने कितने मंदिर लूटे होंगे? है? कितने? अरे दो, 5, 10, 50 कितने लूटे होंगे? हैं? अरे सैकड़ों मंदिर लूटे। माला में कितने मड़के होते हैं? सब को लूटा। कोई एक सोमनाथ मंदिर कोई नहीं लूटा। किसने लूटा? जिसके मुंह में मद भरा हुआ था, माने बहुत रूपवान था। क्या कैसा था? बहुत रूपवान था। और कलयुग के अंत में जो स्त्री पुरुष होते हैं वो किसके ऊपर मोहित हो जाते हैं? हैं? रूप स्वरूप के ऊपर मोहित हुए और हुआ सत्यानाश। तो देखो ये हिस्ट्री में लिखा है और हिस्ट्री के लिए बाबा क्या कहते हैं? हिस्ट्री के बारे में कुछ बोला? क्या बोला? है? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 5000 वर्ष पहले भी शूटिंग हुई थी। क्या है? इन मंदिरों को उस रूपवान ने लूटा था। तो उन मंदिरों में ये एक है सोमनाथ का मंदिर, मुख्य मंदिर था। परंतु मंदिर जब राजाएं बनाते हैं तो राजा मंदिर बनाएगा तो यथा राजा तथा प्रजा भी मंदिर बनाती रही, क्योंकि उनको पूजा करनी होती है। तो पहले पहले जब सतोप्रधान पूजा थी तो एक शिव की पूजा होती थी। क्या मतलब? कोई भी आत्मा जब ज्ञान में आती है तो जो पूज्य भाव होता है, चाहे बेसिक में आई हो चाहे एडवांस में आई हो, शुरुआत में एक के प्रति पूज्य भाव बुद्धि में होता है कि अनेकों में बुद्धि बटी हुई होती है। तो पहले पहले पूजा शिव की होती है और ये सोमनाथ भी शिव का मंदिर है। इसकी यादगार है, हैं? ये शिव जो सोमनाथ की यादगार है पहली पहली, तो कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। ये नाम दिया है तो नाम के अर्थ का तो पता चला ना। किसका नाथ है? सोम अर्थात चंद्रमा का, ज्ञान चंद्रमा के रूप में पाठ बजाने वाले का नाथ। सोमनाथ का अर्थ ही है सोमरस पिलाने वाला, अर्थात ज्ञान सुनाने वाला। वो ज्ञान सुनाने वाला साकार होगा या बिंदु रूप निराकार? तो बरोबार अभी शिव बाबा तुमको ज्ञान सुनाए रहे हैं ना। सोम रस पिलाए रहे हैं ना। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं होता है। जो ज्ञान भगवान सुनाते हैं फिर उनमें क्या होता है? अरे शास्त्रों में ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है? अरे अज्ञान ही होता है। अज्ञान माने भक्ति। शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में भागते रहते हैं, तीर्थों ठिकानों में बुद्धि भागती रहती है, उसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति की ऐसी ही अटल पटल बातें सब शास्त्रों में बैठ करके लिखी हैं। उन शास्त्रों की बातों को भी फिर बाप बैठ करके सुनाते हैं, समझाते हैं। शुरुआत में ही ये जो शास्त्र हैं, पहला पहला शास्त्र कौन सा है? अरे पहला पहला शास्त्र कौन सा? सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि गीता। वो ही गीता शास्त्र जिन मनुष्यों ने बनाई है उसकी बात। देवताओं के पास शास्त्र नहीं थे और न वो शास्त्र बनाते थे। मनुष्यों ने ये सभी शास्त्र बनाए हैं। रावण के राज्य में झूठ का राज्य हो गया, क्योंकि भारत पहले सत्यखंड था, बाद में झूठ खंड हो गया। तो बताओ सचखंड किसने स्थापन किया है? एक सच्चा बाप ही सचखंड स्थापन करते हैं। और झूठखंड कौन बनाता है? जो झूठा होगा वो क्या बनाएगा? है झूठखंड ही बनाता है। और सच तो ट्रुथ बाप को कहा जाता है। कहते भी हैं ट्रुथ इज वन। क्या सत्य एक हो सकता है? कि चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी सब हो सकते हैं। ये ढेर के ढेर सब धर्म पिताएं सच हो सकते हैं कि एक भगवान बाप सच्चा हो सकता है। तो बाप वो ट्रुथ आकर के बताते हैं। कहते हैं कि मुझे ट्रुथ कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रुथ? है अरे बाप को सत्य क्यों कहते हैं? है? झूठा आदमी किसको कहा जाता है? हैं? हाँ, जो झूठे काम करता है। सत्य तो उसे कहते हैं जो सच्चा काम करता है। कहाँ का सदैव वासी है? सत्य धाम का वासी है। क्या है? क्यों? जो झूठ खंड है अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, इनका वासी नहीं है क्या? है भारतवासी है। सच बाप सचखंड का ही वासी है। मैं इस भारत को जो अभी झूठ खंड बन गया है, कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, उस भारत को सचखंड बनाता हूँ, तुमको सिखलाता हूँ कि तुम सच्चे देवताएं कैसे बनते हो। हैं? सच्चे देवताएं कौन होते हैं और झूठे देवताएं कौन होते हैं? अरे पक्के देवताएं कौन होते हैं और कच्चे देवताएं कौन होते हैं? हा? अरे जो देवात्माएं कन्वर्ट नहीं होती हैं, कोई भी जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उन्हें कहेंगे सच्चे। और सतयुग त्रेता के बहुत से देवताएं ऐसे भी तो हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? हैं? झूठे। तो देखो, चाहे सच्चे देवताएं हों चाहे झूठे देवताएं हों, कभी कन्वर्ट न होने वाले हों चाहे कन्वर्ट होने वाले देवात्माएं हों। यहाँ इस पुरानी दुनिया में तो सभी आते हैं, कि नहीं? यहाँ तो सैकड़ों आते हैं। और यहाँ अभी सीजन नहीं है। क्या कहा है? यहाँ अभी सीजन नहीं है, तो ठंडी के कारण थोड़े आते हैं। है? अरे 33 करोड़ भारतवासी, वो भारतवासी कन्वर्ट होकर के झूठे हुए या नहीं हुए? वो करोड़ों की तादाद में जो झूठे बन गए, वो अभी यहाँ बाप के पास आते हैं? हैं? क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अभी सीजन कैसा है? हैं? ठंडा सीजन है। क्यों? ऊनी कपड़े तो कोई नहीं पहने बैठा है। हैं? ठंडा माने क्या? पुरुषार्थ की ठंडी लगी पड़ी है। क्या प्रकृति ने, जो नेचर है, प्राकृतिक रूप से वो यहाँ सीजन कैसा चल रहा है? ठंडे पुरुषार्थ का सीजन चल रहा है। सिखों के लिए कहते हैं कि वो जागृत कब होते हैं? जब दिन के 12 बजते हैं, बहुत गर्मी हो जाती है। तो अभी सिख संप्रदाय के लोग निकल रहे हैं, हैं? नहीं निकल रहे, क्यों? क्योंकि अभी सर के ऊपर सूरज, ज्ञान सूर्य प्रकट नहीं हुआ है। तो ठंडी के कारण अभी बहुत थोड़े आते हैं, नहीं तो ये हाल पूरा नहीं होता। क्या ये ठंडी का सीजन अगर खत्म होगा तो इतने आवेंगे कि हाल में समाए नहीं सकेंगे। अभी तो कसम कस करके समझ आते हैं ना, इसलिए तो अभी मकानों के पिछाड़ी मकान बनते ही रहते हैं। काहे के लिए हैं? अरे ये ज्ञान सुनाने के लिए मकानों के पिछाड़ी मकान बनते रहते हैं। बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते रहते हैं और बनते ही रहेंगे। ये ज्ञान सुनाने के लिए, सच्चखंड स्थापन करने के लिए कितने मकान बन जावेंगे दुनिया में, हैं? हाँ, बाबा ने बोला तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में स्थापन हो पड़ेंगे और करोड़ों के तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी, चाहे डीवीडी में चाहे अखबारों में, बहुत बनेंगे। जैसे पहले पहले छोटा मकान था, बेसिक में भी छोटा था, फिर एडवांस में भी छोटा मकान था। बेसिक में छोटा मकान कौन सा था? बाबा ने बोला जब ये सत्संग शुरू किया तो माउंट आबू में शुरुआत में जो खपरेल का मकान था, जहाँ बाबा बैठे रहते थे, उसके सामने एक मम्मा की कोठरी थी, तो मम्मा की कोठरी से भी छोटा मकान था बेसिक में। ऐसे ही एडवांस में भी क्या था? छोटा मकान था। कहाँ था, हैं? अभी देखो कितने मकान बनते जाते हैं, बनते जाते हैं ना। फिर माणियां भी बनाते जाते हैं, एक एक मकान में दो दो तीन तीन चार चार मंजिल भी बनाते जाते हैं। कहाँ? बेसिक में या एडवांस में भी? एडवांस में भी बनाते जाते हैं। फिर जो जो भी मकान मिलते हैं, क्या कहा? फिर बाद में जो जो भी मकान मिलते हैं खरीद करने लग पड़ते हैं। धंधा बहुत बढ़ता है तो दुकानें ज्यादा चाहिए ना, हैं? नहीं चाहिए? दुकानें ज्यादा बनेंगी तो धंधा ज्यादा बढ़ेगा। तो अभी उन मकानों को खरीद कौन करते हैं, हैं? उन मकानों को कौन खरीद करते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा खरीद करते हैं। इसके द्वारा ब्रह्मा द्वारा खरीद करते हैं। कोई मकान खरीद करते हैं तो रजिस्ट्रेशन किनके नाम होता है? मम्मा बाबा के नाम।